अब आप लोग भाई क्या लगता है, मुझे कमेंट में बताओ कि भाई कौन जीतेगा। भाई सुपरलेक्स पड़ गया है केविन ओवेंस को। भाई शीमस निकल रहा है, शीमस निकल रहा है, शीमस निकल रहा है भाई। ओह भाई साहब शीमस निकल गया, क्या निकल गया, बबलिश निकल रहा है, बबलिश निकल रहा है भाई, बबलिश निकल रहा है। गोल्ड पर भी भाई मदद कर रहा है निकालने में, दोनों बंदे एक बंदे को निकाल रहे हैं, निकाल दिया। हेलो गैंग, तो क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज की मैच हम लोग खेलने जा रहे हैं 5-man elimination, वो भी WWE 2K22 में। तो भाई इन 500 में अगर कोई भी जीता तो वो डायरेक्टली चला जाएगा रोमन रेंस के लड़ने के लिए, वो भी WWE यूनिवर्सल टाइटल के लिए। तो भाई मैच बहुत खतरनाक होगी, हम लोग उठाने जा रहे हैं ब्रॉक लेसनर, बॉबी लेसली, शीमस, गोल्डबर्ग एंड केविन ओवेंस। तो भाई चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग अपनी मैच स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा करीब आना, थोड़ा और भाई, थोड़ा और। सब्सक्राइब किया नहीं तो भाई जाकर सब्सक्राइब कर लो और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। अच्छा हमको सिखा रहा है, कर लेते हैं प्ले, उठा लेते हैं 5-man battle royale। और ये अपना आ गया है बैटल रॉयल। तो भाई ये अपना आ गया है बॉबी लेशली एंड ये अपना आ गया है केविन ओवेंस और भाई ये अपना आ गया है ब्रॉक लेसनर। तो भाई साहब अपना शीमस भी आ गया है। तो भाई आखिरी हमारा गोल्डबर्ग भी आ गया है, इसको सेलेक्ट करते हैं। अब भाई सेलेक्ट अरीना करने जा रहा है, भाई अरीना हम लोग रखेंगे रॉ, ये बहुत अच्छी है। तो हमारी मैच स्टार्ट हो गई। तो भाई सब जिन बंदों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि भाई आप लोग हर्ट्स गैंग ज्वाइन कर लो। तो भाई सबसे पहले अपनी एंट्रेंस आई है केविन ओवेंस की, जो कि काफी ज्यादा ही कूल मूवमेंट रख ला है। मतलब पहली बार में 2K22 में केविन ओवेंस की एंट्रेंस देखने जा रहा हूं। ओहो हो चोटी वाला भाई अपना ब्रॉक लेसनर भी आ गए, आप लोगों ने भी चेक किया भाई, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा दिखा रहा है। पता तब चलेगा जब भाई ये एलिमिनेट हो जाएगा। मुझे तो पता है भाई कि ब्रॉक लेसनर जल्दी एलिमिनेट हो जाता है, तो मुझे लगता है कि इन 5-man match में भी जल्दी एलिमिनेट हो जाएगा। तो भाई अपना शीमस भी आ गया है, जो कि काफी ज्यादा ही कूल लग रहा है। हमने इसकी शक्ल स्क्रीन में ही देख ली क्योंकि ये काफी ज्यादा टाइम लगाता है। द बिजनेस इज ऑलवेज इज गुड, बॉबी लेसली आ गया है भाई, जो कि काफी ज्यादा ही कूल लग रहा है। और भाई रियल में बॉबी लेसली एंड ब्रॉक लेसनर की खतरनाक दुश्मनी चल रही है भाई। मेरे ख्याल से भाई बॉबी लेसली को ब्रॉक लेसनर ने स्टैंड भी कर लिया था। ओहो हो अपने गार्ड के साथ भाई अपना गोल्डबर्ग भी आया है। मुझे ये बात समझ भाई अपना साथ गार्ड क्यों रखता है भाई WWE में, पता नहीं कैसी एंट्रेंस है भाई सच्ची में। तो चलिए भाई 500 के 500 रेसलर हमारे तैयार हो गए हैं बैटल रॉयल में। तो चलिए भाई मैच स्टार्ट हो गई। उससे पहले मैं अपना कंट्रोल तो हटा लूं। तो भाई मेरा कंट्रोल असाइनमेंट किसके ऊपर है, मेरा कंट्रोल असाइनमेंट बॉबी लेसली के ऊपर है। तो भाई मैं हटा लेता हूं अब भाई सब, मैं किसी कंट्रोल नहीं करूंगा, कंप्यूटर वर्सेस कंप्यूटर है। तो और भाई मेरे हाथ से आप लोग खाली है भाई। तो चलिए भाई एंटर करते हैं, ओके। और भाई साहब अब इनकी मैच स्टार्ट हो गई। तो भाई बॉबी लेसली जो शीमस को पकड़ रहा है, ब्लॉक लेसनर भाई परेशान हो गया कि मैं किसको मारूं, लेकिन भाई बॉबी लेसली को मिल गया है और बॉबी लेसली ने कर दिया रिवर्सल। केविन ओवेंस बैंड बजा रहा है, गोल्डबर्ग की शीमस भाई परेशान हो रहा है कि मैं किसको मारूं और स्टाइल दिखा रहा है। और भाई ब्रॉक लेसनर सुपरलेक्स पड़क दिया है बॉबी लेसली को खतरनाक तरीके से। आप चेक करते हैं ब्रॉक लेसनर ने भाई शीमस को पकड़ लिया, मतलब कि भाई तीन तीन बंदों को एक साथ मार दे रहा है ब्रॉक लेसनर भाई। केविन ओवेंस बैंड बजा रहा है गोल्डबर्ग की भाई, मतलब केविन ओवेंस में इतनी कहां पावर है भाई, केविन ओवेंस में इतनी पावर नहीं है जितनी भाई ये मार दे रहा है। ओहो गोल्डबर्ग भाई अब जो है बॉबी लेसली के पास गया था, लेकिन भाई बॉबी लेसली ने कर दिया रिवर्सल और केविन ओवेंस अभी तक मार दे रहा है गोल्डबर्ग को। शीमस उठ गया है, कह रहा है कि भाई ब्रॉक लेसनर मुझे मार दे के गए, तो भाई मैं गोल्डबर्ग को ब्रॉक लेसनर को नहीं छोड़ूंगा। और जो है अब चेक करते कहना भाई बैली टू बैली हमारे बॉबी लेसली ने ब्रॉक लेसनर को भड़क दिया। तो भाई अब जो है शीमस मार रहा है बॉबी लेसली को, केविन ओवेंस अभी तक भाई गोल्डबर्ग की बैंड बजा रही है, क्या सीन है भाई। गोल्डबर्ग रिवर्सल कर भाई स्टंट होने वाले, मतलब इतनी मार, मैं चेक करूं कंट्रोल तो नहीं है मेरे इसके ऊपर, नहीं भाई मेरा कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर, तो क्यों इतनी मार खा रहा है भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। गोल्डबर्ग यार रिवर्सल कर दे, रिवर्सल फाइनली भाई हमारे गोल्डबर्ग ने कर दिया है। और जो बॉबी लेसली मार दे रहा है ब्रॉक को, निकल गया भाई केविन ओवेंस, निकल गया क्या, निकाल रहा भाई, मुझे लग रहा था भाई निकाल गया, लेकिन नहीं भाई शीमस जो है पकड़ रहा था ब्रॉक लेसनर को, लेकिन बीच में बॉबी लेसली ने गंद कर दिया और सुपर किक मार दिया हमारे गोल्डबर्ग ने केविन ओवेंस को। अब जो है केविन ओवेंस को उठा दिया बॉबी लेसली ने, अब चेक करते हैं भाई शीमस को भी हमारे गोल्डबर्ग ने भाई सुपर किक मार दिया। तो भाई ब्रॉक लेसनर ने बॉबी लेसली को पकड़ लिया, लेकिन भाई बॉबी ने कर दिया रिवर्सल। और अब जो है गोल्डबर्ग ने भाई तीसरी बार सुपर किक मारी है शीमस को भाई। अब जो है केविन ओवेंस मार दे रहा है बॉबी लेसली को, अब जो है बॉबी लेसली को उठा दिया हमारे ब्रॉक लेसनर ने और गोल्डबर्ग को शीमस अब मार दे रहा है। मतलब गोल्डबर्ग तो मंदिर का घंटा ये सभी उसको मार दे रहा है भाई, आप लोग चेक कर पा रहे हो। और जो है कॉर्नर में लगा दिया हमारे शीमस ने गोल्डबर्ग को, केविन ओवेंस परेशान होकर मैं किसको मारूं भाई, ब्रॉक लेसनर को मार पड़ रही है बॉबी लेसली, मार दे लेकिन कर दिया ब्रॉक लेसनर ने रिवर्सल। आप चेक करते हैं क्या होने जा रहा है भाई, और जो है बॉबी लेसली मार रहा है ब्रॉक लेसनर को, शीमस निकल रहा है भाई, नहीं निकल रहा, पावर बॉम्ब पड़ेगा, पावर बॉम्ब बैक साइड की तरफ पड़ेगा, हाँ भाई पावर बॉम्ब ही पड़ा है शीमस को, पावर बॉम्ब पड़ गया है। केविन ओवेंस ने मारा, तो भाई सुपरलेक्स मार दिया है बॉबी लेसली को हमारे ब्रॉक लेसनर ने। तो भाई इन 500 में अगर कोई भी जीता तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ हम लोग मैच लड़ेंगे रोमन रेंस के साथ, जो भी विनर होगा। तो भाई सच्ची बता रहा हूँ, अब आप लोग भाई क्या लगता है, मुझे कमेंट में बताओ कि भाई कौन जीतेगा। भाई सुपरलेक्स पड़ गया है केविन ओवेंस को, भाई शीमस निकल रहा है, शीमस निकल रहा है, शीमस निकल रहा है भाई। ओह भाई साहब शीमस निकल गया, क्या निकल गया, बबलिश निकल रहा है, बबलिश निकल रहा है भाई, बबलिश निकल रहा है, गोल्डबर्ग भी भाई मदद कर रहा है निकालने में, दोनों बंदे एक बंदे को निकाल रहे हैं, निकाल दिया।
यार ये चीटिंग है, ये चीटिंग है, मतलब कि भाई एक बंदे को दो बंदों ने निकाला भाई, और जो बोर्ड पर कह रहे थे भाई उसको तो निकाल दिया तू कहां जाएगा, और डायरेक्टली बॉबी लेशली के मुंह में मार दिया। तो भाई ब्रॉक लेसनर ने मार मार के केविन ओवेंस की बुरी हालत कर दी है। तो चलिए भाई अब चेक करते हैं क्या होने जा रहा है। भाई केविन ओवेंस तो मंदिर का घंटा है, सच्ची बता रहा हूं बहुत ज्यादा मार पड़ गई है भाई। तो गोल्डबर्ग ने उठा दिया बॉबी लेशली को, अब चेक करते हैं क्या करने जा रहा है भाई गोल्डबर्ग। और जे इसको उठाया, उठा के पता नहीं कहां लेके जा रहे, निकाल रहे, शायद निकाल रहे सुपर किक नहीं, रिवर्सल कर दिया। तो भाई अब जो है केविन ओवेंस मार रहा है ब्रॉक लेसनर को। तो चलिए भाई अब चेक करते हैं क्या होने जा रहा है भाई। ब्रॉक लेसनर स्टंट हो गया है, बॉबी लेशली चेक कर रहा है कि मैं किसको मारूं, स्टाइल दिखा रहा है, पोज मार रहा है भाई अपना बॉबी लेशली। और गोल्ड पर भाई क्या कर रहा है भाई, ये उल्टे मुंह मार रहा है भाई, बहुत खतरनाक मुंह मार रहा है बॉबी लेशली को। ब्रॉक लेसनर ने केविन ओवेंस को उठा दिया। तो चेक करते हैं अब क्या करने जा रहा है ब्रॉक लेसनर। यार क्या कर रहा है, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही भाई। ब्रॉक लेसनर के पास सिग्नेचर मौजूद है, बॉबी लेशली के पास सिग्नेचर मौजूद है, गोल्डबर्ग के पास भी सिग्नेचर मौजूद है, एंड केविन ओवेंस के पास भी सिग्नेचर मौजूद है। यानी चारों बंदों के पास सिग्नेचर मौजूद है, तो कभी भी किसी को पड़ सकती है खतरनाक वाली सिग्नेचर। तो भाई यहीं पर वीडियो को लाइक भी करते हैं भाई अगर नहीं किया तो। और केविन ओवेंस तो बेचारा, और भाई मुझे इसी बात का डर था कि भाई कोई ना कोई दूसरे को सिग्नेचर मारेगा, और गोल्डबर्ग ने गोल्डबर्ग को पड़ गई सिग्नेचर ब्रॉक लेसनर की। भाई चेक कर पा रहे हो सुपर लेग सिटी ब्रॉक लेसनर मारा। तो भाई बॉबी लेशली ने अपनी सिग्नेचर मार दी भाई, नहीं मारी मार रहा था लेकिन नहीं मारी। तो चलिए भाई ये निकाल दिए भाई, केविन ओवेंस क्या निकल क्या कि नहीं निकला भाई, रिवर्स कर दिया। तो भाई गोल्ड पर निकलने वाला है क्योंकि भाई स्टंट हो गया। तो भाई इसको उठाकर ब्रॉक लेसनर निकाल देगा। तो चलिए आप चेक करते हैं क्या करने जा रहे हैं। ब्रॉक लेसनर बॉबी लेशली की तरफ देख रहा है क्योंकि भाई इन दोनों की रियल में दुश्मनी भी चल रही है, और उठा दिया है भाई ब्रॉक लेसनर को। बॉबी पावर शो कर रहा है लेकिन भाई ब्रॉक लेसनर ने कर दिया है रिवर्सल। तो भाई केविन ओवेंस पीछे पड़ गया है गोल्डबर्ग के, उठा दिया है उसको, फेंक रहा है भाई, नहीं फेंका, मुझे लग रहा था कि भाई बाहर फेंक देगा, निकाल देगा, लेकिन नहीं फेंका। तो भाई बॉबी लेशली अपना पावर शो करा रहा है भाई, लेकिन भाई कर दिया है रिवर्सल केविन ओवेंस ने। तो भाई गोल्डबर्ग को मार पड़ रही है, ब्रॉक लेसनर बैंड बजा रहा है भाई सच्ची में, लेकिन कर दिया है भाई। अब जो है गोल्डबर्ग ने रिवर्सल, बॉबी लेशली को पकड़ लिया है केविन ओवेंस ने। तो भाई एक दूसरे को निकालो ना भाई, क्या कर रहे हो अभी तक भाई, किसी ने नहीं निकाला। और जो है बॉबी लेशली को बड़ी मार, लेकिन अभी कर दिया है, उठा लिया है ब्रॉक लेसनर ने बॉबी लेशली को भाई। केविन ओवेंस बैंड बजा रहा है गोल्डबर्ग। अब चेक करते हैं कि क्या होने जा रहा है भाई, मैच बहुत सीरियस हो गई है। गोल्डबर्ग भाई मतलब कि ब्रॉक लेसनर निकाल रहा है बॉबी लेशली को, और चेक करते हैं गोल्डबर्ग जाने वाला है भाई, गोल्डबर्ग जाने वाला है, निकल गया है गोल्डबर्ग भाई। इसी के साथ बॉबी लेशली भी निकल रहा है, केविन ओवेंस बॉबी भी निकल गया, यानी कि भाई दो बंदे बच गए ब्रॉक लेसनर एंड केविन ओवेंस ने परफेक्ट चार्ज कर दिया और मार दिया है भाई। ओ हो फिनिशर मार दिया है भाई ब्रॉक लेसनर को। ओह भाई साहब, अब भाई साहब निकलेगा भाई ब्रॉक लेसनर, अब निकलेगा भाई। दो फिनिशर मौजूद है, एक और फिनिशर भाई केविन ओवेंस के पास मौजूद है। मुझे तो लगता है कि भाई ये मैच केविन ओवेंस जीतेगा क्योंकि भाई बहुत ज्यादा खतरनाक चल रहा है भाई। ओह ये क्या कर रहा है भाई, ब्रॉक लेसनर ने मुंह में मार दिया लात केविन ओवेंस को। तो इसलिए अब चेक करते हैं क्या करने जा रहा है भाई। ब्रॉक को भाई सुपरलेक्स, ब्रॉक का ही सुपरलेक्स ब्रॉक को पकड़ लिया, मतलब कि केविन ओवेंस इतना खतरनाक कैसे चल सकता है भाई। सबमिशन करा रहा है अपना केविन ओवेंस ब्रॉक लेसनर को। चलिए भाई अब चेक करते हैं क्या करने जा रहा है। टेप आउट तो कर नहीं सकता, यहां पर जो एलिमिनेशन का मामला है। तो भाई एलिमिनेट हो गया तो समझ निकल जाएगा भाई, और जो है रिवर्सल कर दे। तो भाई ब्रॉक लेसनर अपना फिनिशर मार दे भाई, फिनिशर मार दे नहीं मार रहा भाई फिनिशर, और पकड़ लिया है केविन ओवेंस को, निकाल रहे। और भाई साहब चेक करते हैं कि निकल पाता है या फिर नहीं, आप लोग भाई अंदाजा लगाओ। और निकल गया है, गया नहीं गया, रिवर्स कर दिया भाई। अभी तक बचा हुआ है भाई केविन ओवेंस, हार नहीं मानेगा भाई ब्रॉक लेसनर को बताएगा, क्योंकि भाई रियल लाइफ में केविन ओवेंस ने रोमन का कान इंजरी कर दिया था, जो कि खून मतलब बहुत गंदे वाला बह रहा था भाई रियल लाइफ में, मैं बात कर रहा हूँ। तो भाई साहब बैंड बज रही है केविन ओवेंस की। तो भाई मैच बहुत ज्यादा सीरियस हो गई है सच्ची में। तो अब चेक करते हैं भाई केविन ओवेंस को हमारे ब्रॉक लेसनर ने उठाया भाई बैक साइड की तरफ, सुपरलेक्स पड़ दिया ब्रॉक लेसनर के पास, टू फिनिशर मौजूद है भाई, तो कभी भी पड़ सकता है। तो चलिए अब चेक करते हैं क्या करने जा रहे हैं भाई, उठाकर भाई ऊपर आसमान की तरफ और जमीन में पड़क दिया है। तो भाई अब कुछ भी हो सकता है भाई, मुझे नहीं पता, आप लोग चेक कर पा रहे हो भाई। और अब क्या होगा भाई, ब्रॉक लेसनर यार निकाल देना भाई, अब तो पक्का निकलेगा भाई, अब तो केविन ओवेंस निकलेगा, क्योंकि भाई घसीट रहा है बच्चों की तरह। निकल गया मुझे पता है निकल गया, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा उसको मार पड़ गई। निकल गया नहीं निकल रहा भाई, ये इंसान है ढीठे यार, मतलब क्या मतलब यार। ब्रॉक लेसनर यार निकाल दे भाई, मैं तो चाहता हूँ कि भाई केविन ओवेंस जीते, क्योंकि भाई केविन ओवेंस जितना खतरनाक चल रहा है ना सच्ची में, बहुत ज़्यादा ही खतरनाक चल रहा है। और ओ भाई रिवर्स कर दिया है हमारे ब्रॉक लेसनर ने फाइनली भाई, केविन ओवेंस मार दे रहा था लेकिन भाई अगेन कर दिया रिवर्सल हमारे ब्रॉक लेसनर ने। दोनों के पास दो दो फिनिशर मौजूद हैं। तो भाई ब्रॉक लेसनर कह रहा है कि भाई मैं केविन ओवेंस को निकालूं लेकिन निकाल नहीं पा रहा। तो भाई अब निकालेगा, एक मुक्का, दो मुक्का और तीन मुक्का मुंह में, और बेइज्जत करके फेंक दिया, मतलब बच्चों की तरह घसीट रहा है भाई केविन ओवेंस को। तो चलिए भाई अब ब्रॉक लेसनर निकाल फिनिशर मार दे, कसम से तुझे फिनिशर मार दे यार। ब्रॉक लेसनर बिल्कुल ढीठ है भाई, फिनिशर नहीं मारा, निकाल रहा है भाई, पावर बॉम्ब मार के निकालेगा,
निकालेगा नहीं, रिवर्स कर दिया है भाई। केविन ओवेंस बिल्कुल ढीठे, इतनी मार पड़ी है लेकिन भाई निकालने का नाम ही नहीं रहा। ओ भाई साहब ब्रॉक लेसनर को निकाल दिया है। ओ ओ मुझे डर है कि भाई केविन ओवेंस जीत ना जाए भाई। मैं कह रहा हूँ कि भाई केविन ओवेंस जीते भाई, मैं कह रहा हूँ कि भाई जितनी एफर्ट इसने लगाई है ना 2K22 में अभी, तो भाई जीतना चाहिए इसको यार। केविन ओवेंस तुझे जीतना है, कसम में तुझे जीतना है। जीत भाई नहीं जीत रहा भाई, ब्रॉक लेसनर बहुत खतरनाक है, कह रहा है कि भाई केविन ओवेंस को मैं जीतने नहीं दूंगा। तो भाई अब चेक करते हैं ब्रॉक लेसनर क्या करने जा रहा है। तो भाई ओ भाई फिनिशर मार दिया भाई, अब 100% चांस है कि ब्रॉक लेसनर निकले। ओ भाई केविन ओवेंस जीत गया, आई कांट बिलीव दिस, मुझे यकीन नहीं आ रहा भाई। केविन ओवेंस ने डबल फिनिशर मार दिया भाई यार, मतलब दो दो फिनिशर एक ही जगह पे मार दिए। तो भाई आप जो है पता नहीं क्या कर रहा है भाई केविन ओवेंस, क्या भाई सिग्नेचर भी मार दिए भाई केविन ओवेंस को, अचानक दौरा चढ़ गया, दो फिनिशर मारे सिग्नेचर मार दिए। तो भाई ये क्या कर रहा है यार, ये क्या कर रहा है केविन ओवेंस, सच्ची में भाई दो सिग्नेचर मारी एंड दो फिनिशर मारे ब्रॉक लेसनर, स्टंट हो गया भाई। ये क्या हो गया केविन ओवेंस, हो गया भाई ये क्या, मतलब दौरा चढ़ गया है भाई, तीन फिनिशर मारे, आई कॉन्ट बिलीव दिस भाई, मतलब मैं यकीन नहीं कर सकता, सच्ची बता रहा हूँ। और जो है फाइनली भाई ब्रॉक लेसनर को निकालेगा भाई, निकालेगा क्योंकि भाई इतनी ज्यादा मार पड़ गई है और निकल गया। अनबिलीवेबल यार, मतलब तीन फिनिशर मारे, दो सिग्नेचर मारी, कुछ बंदों को भी निकाल दिया उसने, मतलब कि भाई नेक्स्ट मैच हमारी होने जा रही है केविन ओवेंस एंड रोमन रेंस। भाई साहब मतलब कि भाई, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कि भाई केविन ओवेंस एंड रोमन रेंस की मैं मैच रखने जा रहा हूँ भाई WWE 2K22 में। भाई जितनी मेहनत लगाई है ना केविन ओवेंस ने भाई, दाद देने पड़ेगी सच्ची में। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को करते लाइक, और नेक्स्ट मैच हम लोग खेलने जा रहे हैं केविन ओवेंस एंड रोमन रेंस। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।